आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाज्ञान में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की वर्कशीट जो है गणित की, और आज की वर्कशीट का नंबर है 6 और आज हमारी तारीख है 13 अक्टूबर। तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में सीख रहे थे और उसी संदर्भ में आज आगे बढ़ते हुए हमने जमा सीखी, घटा सीखी और अब हम बढ़ रहे हैं गुणा की ओर। तो देखें कि कैसे गुणा करते हैं, तो आइए बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है, हमें पता है। मतलब हमने ये पिछली बार सीखा ही था कि अगर किसी चीज़ को गुणा करना है या उसको उतनी ही बार जोड़ दें तो एक ही आंसर आता है। मतलब 4 को 3 बार जोड़ दो या 4 को 3 से गुणा करो, 12 ही आएगा। 4 3 12 और 4 जमा 4 जमा 4 मतलब 12। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारी हर संख्या के बट्टे में एक माना जा सकता है। तो 4/1 × 3/1, अगर गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 होता ही है और 1 × 1 होता ही है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम 4 को इसी तरह जमा करें, 4/1, 4/1 और 4/1, तो हमने ऊपर वाले सभी अंकों को जोड़ा तो 4 4 8 और 4 12 12/1। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। ये हुई जमा की बात, और वो भी परिमेय संख्याओं को जमा करने की बात, और तब जब वो भिन्न में हैं। तो हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। मेघा ने 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाई या वो खिलाती है, और उसके पास कुल गाय हैं 5। तो अब हमें ये बताना है अगर वो हर एक गाय को 3/4 किलोग्राम खिलाती है, यानी कुल किलोग्राम में से 3 हिस्से खिलाती है। अब हमें ये बताना है कि वह सारी गायों को कितना खिलाती है। अब अगर हम 3/4 को 5 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर आ ही जाएगा। तो आइए एक बार करके देखते हैं। उससे पहले जमा भी करके देख साथ साथ जमा भी करके देखेंगे। तो ये हुई हमारी गुणा। 1 को हमने 3/4 भाग में बांटा, 3 डिब्बे भरे, 1 डिब्बा हमने बिना भरे छोड़ दिया, और गुणा में की 5 गाय। तो आओ करते हैं इसे हल। दूसरी तरफ हमने अपने 5 गायों के 5 डिब्बों को लिया और उन्हें जोड़ दिया, क्योंकि गुणा करें या जोड़ आएगा तो उत्तर एक ही, ये तो हम जानते ही हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। 3/4 × 5, तो हम जानते ही हैं जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता उसके बटे में हम मान लेते हैं 1। तो गुणा करते समय हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं को कर देते हैं गुणा, आपको पता ही है, और नीचे की संख्याओं को भी कर देते हैं आपस में गुणा, यानी कि अंश को अंश से गुणा किया जाता है और हर को हर से गुणा किया जाता है। और देखिए यहाँ पर हमें ये बात बताई भी गई है, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, तो हमने लिख दिया 15 ऊपर यहाँ देखिए, और नीचे 4 को 1 से गुणा किया क्योंकि 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 4 × 1 = 4, ये आ गया 4। और वही हमने देखा कि 15/4 यहाँ पर इन्हें जोड़कर भी आ गया है। तो आ गई ना वही की वही बात जो हमें ऊपर बताई गई थी, चाहे हम जोड़ें चाहे हम गुणा करें आएगा एक ही जैसा। तो चलो फटाफट से अब देखते हैं आगे। हमें एक और उदाहरण दिया गया है। हमसे कहा गया है सीमा हर रोज 1 किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है, यानी कि 1 घंटे का आधा, और वह किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। तो कुल दिन में जितने घंटे होते हैं उसे 3 से भाग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, पहले पता तो लगाएं, हमें कुल समय निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकाला गया है। अगर हम अपने घंटों को यानी कि
ये घंटे को हम अपने दिन से गुणा कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलो अभी अभी तो हमने गुणा सीखी ही थी, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना है। तो हमने एक को एक से गुणा किया तो आया हमारा एक, एक एकम एक। फिर हमने दो को दो से गुणा किया, दो को तीन से गुणा किया तो दो तिया छः, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एक बटा में छः उत्तर हुआ ये हमारा। तो अब हमें कुल समय बताना था और हमने कुल समय निकाल लिया है। अब हम एक और बात पर ध्यान देंगे, यहाँ पर घंटे प्रतिदिन था और यहाँ पर दिन है, तो ये एक बटा छः जो घंटे निकले ये दिन के निकले, तो दिन के कुल घंटों का एक बटा छः ये है हमारा उत्तर। तो यहाँ घंटे के साथ प्रतिदिन भी आएगा। तो अब बढ़ जाते हैं आगे, शायद वो लिखना भूल गए होंगे। अब हम करते हैं सवाल, हमने आज क्या सीखा, आओ इन्हें हल करें। एक इमारत की ऊंचाई हमें बताई गई है 23/2 मीटर, और उसके बाद हमें कहा गया है कि उसी इमारत के पास में एक और इमारत है, उसकी ऊंचाई पहली वाली इमारत की ऊंचाई से 2/3 है, यानी कि उसकी पहली इमारत की ऊंचाई को अगर हम बांट लें तीन हिस्सों में तो दो हिस्से ऊंचाई निकलेगी। तो अब इसे बांटने की तरीके से हमें करना नहीं है, हमें करना है गुणा के तरीके से जो हमने अभी अभी सीखा है। तो चलो फटाफट करके दिखाते हैं। 23/2 आप लिख लीजिए, एक इमारत की ऊंचाई बराबर 23/2। फिर लिखिए नीचे दूसरी इमारत की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई का भाग है बराबर 2/3। तो दूसरी इमारत की कुल ऊंचाई, तो वो आप फिर ऐसे दोनों को गुणा करके दिखा दीजिए। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक जब हमारे पास ये गुणा में है हम उसी स्थिति में ऊपर वालों को नीचे वालों से भाग कर दें, दूसरा हम पहले गुणा कर लें और बाद में भाग करें। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी गुणा सीख रहे हैं, भाग हम अगली बार सीखेंगे, इसलिए हम गुणा कर देते हैं। हमने अंश को अंश से गुणा किया, मतलब 23 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 46, और हर को हर से गुणा किया तो 2 को 3 से गुणा करने पे आ गया 6, और ये हो गया हमारा उत्तर। हालांकि हम 6 को 46 से भाग करके इसका उत्तर और आगे भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम गुणा ही सीख रहे हैं, ये भाग करना हम अगली बार सीखेंगे, शायद अगली वर्कशीट में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। इन्होंने हमसे कुछ और इंटरेस्टिंग गुणा करने के लिए कहा है और वो हम करके दिखाते हैं। 7 और 5 ऊपर हैं और 7, 5 नीचे हैं, तो हर हर और अंश अंश दोनों को हमें गुणा करना है और वो हमने कर दिया। 7 × 35 और 5 × 7 = 35, तो 35/35 आ गया हमारा उत्तर। तो चलो तीसरा भी कर देते हैं। 2 × 3 करना है और 5 × 4 करना है, तो हर और अंशों की आपस में गुणा होती है, तो 2 को 3 से गुणा करने पे आया 6। अब क्योंकि यहाँ पर घटा का निशान था तो वो भी यहाँ आ जाएगा, तो 2 × 3 बराबर 6 और नीचे 5 × 4 बराबर 20। तो अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। 2 को 0 से गुणा करना है, अंशों की गुणा होगी। तो हमने सीखा था पिछली बार, अगर हम 0 को 0 को किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 2 को 0 से गुणा किया यानी कि 0 से गुणा किया तो 0 का 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 × 6, तो ये आ गया हमारा उत्तर। अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब हमें गुणा करनी है अंश को अंश से। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आया और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आया, 3 × 6 और 6 का निशान लगा दिया। अगर हमें इसे और आगे सॉल्व करना होता है तो 6 से 6 का निशान भाग हो जाता है और वो हट जाता है, लेकिन इसे हम अगली बार सीखेंगे। आपको जानकारी के लिए बताते रहना मुझे ठीक लग रहा है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम आगे और क्या सीख सकते हैं। अब हम अगला सवाल करते हैं। 10 को गुणा करेंगे 2 से तो आया 20, और 20 को गुणा किया 1 से यानी हरों को गुणा किया तो आया 20, तो ये आ गया 20/20। अगर हम इन्हें भाग कर दें तो 20 भाग को 20 करेंगे तो 20 एकम 20, एक उत्तर आ जाएगा, लेकिन अभी हमें इतना ही छोड़ देना ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 6 को 14 से गुणा किया तो आया 84 और 7 को 5 से गुणा किया तो आया 35।
ये हुई आज की हमारी वर्कशीट सॉल्व। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो फटाफट से वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है लाइक का निशान, लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक करें। वीडियो का कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद बेल बेल को दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियो के साथ जैसे ही वीडियो डलेगी मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे सेक्शन में हैं, सेम क्लास में हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।